आपके सामने क्या किया मैंने, बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है हैप्पीनेस उलाटी। अगर मैं अपने शरीर को बार बार देख रहा हूँ और मैं देखने की चीज हूँ, तो आप भी अपने शरीर को बार बार देख सकते हो। इस गाने का धार्मिक मतलब समझो, लोगों ने सिंगरों को बॉलीवुड को ये कर रखा है कि यहाँ तो आस्ती होती है, मगर इसका धार्मिक एस्पेक्ट इतना बड़ा है। अगर मैं 71 साल में ठीक हो सकता हूँ, तो मतलब तो ठीक होने से है, अब मंदिर से हो जाओ, गुरुद्वारे से हो जाओ, चर्च से हो जाओ, कहीं से हो जाओ, कहीं दवा खाने से हो जाओ, आपको जितनी शौक, आप कलयुग में आए हो, आपको गुस्सा देके भेजा गया है। और कलयुग की एक ही कला है कि गुस्से से बाहर कैसे आना है और कितनी जल्दी आ सकते हो, उसका बड़ा आसान तरीका एक ये है। और मैं अब इसकी फिलॉसफी समझो, मैंने करौली की, मैं रोया और हंसा। जो बच्चा एक पैदा होने के बाद क्रिया 3 साल तक करता है, अगर अब वो क्रिया आप कर लोगे, आपको दूसरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, भक्ति नहीं करता, और 5 मिनट में मेरी मॉर्निंग वॉक हो गई, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, भक्ति होगी, क्योंकि मैंने जांच अपने लिए नहीं किया है, मैं आप लोगों के लिए किया है कि आप स्वस्थ कैसे रहोगे। और छोटी सी फिलोसफी समझ जाओ, जब पैदा हुए दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो क्रॉलिंग करके खड़ा नहीं हुआ, वो उसी तरह खड़ा हुआ है कुछ 6 महीने 7 महीने में, ठीक है जी। और हम योगा कर रहे हैं अलग अलग तरह का, वो नहीं कर रहे। आप फैमिली में जितने भी बंदे हैं, एक है चाहे, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं कर सकता अलग बात है, अदरवाइज आप क्रॉलिंग कीजिए। अब 5 बंदे घर में अच्छे है बगा जी, अगर वो इकट्ठे 2 मिनट क्रॉलिंग करते हैं तो क्या होगा, एक मेरे फादर इन लॉ का सिर बहू के सामने झुकेगा, मेरा सिर अपनी बीवी के सामने झुकेगा, मेरा सिर अपनी पोती नाती के सामने झुकेगा, उनका मेरे सामने झुकेगा, तो हमारा जो बॉडी का गुस्सा है खत्म हो जाएगा। गुस्से को खत्म करना है। और 2 मेरी एडवाइस हैं, एक आप व्हाइट पेपर पे चार्ट बनाएंगे, है सर, व्हाइट पेपर पे चार्ट बनाएंगे, उस पर लिखेंगे हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, अपनी फोटो लगाओ, पूरे फैमिली का एक एक चार्ट बनाओ, अपने घर में लगा दो। आप जब अपने अपने चार्ट को देखेंगे दीवारों पर लगा हुआ, तो 180 दिन में आपका फैमिली गुस्सा कम हो जाएगा। दूसरा चार्ट बनाना है दुनिया पागल, दुनिया पागल है, अगर आपको ये समझ लग जाए कि दुनिया पागल है, उसमें आप हो और आप जैसे रह रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहाँ मेरे लिए सारी दुनिया पागल है, जब ये है ये बोलेंगे मेरा, मैं ही हूँ उसमें दुनिया पागल, उसमें मैं बुढ़ाटी भी पागल। शुक्रिया।